नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल तंवर। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की, जहां उत्तर प्रदेश में 15 जिलों को सील कर दिया गया है। 21 दिनों का लॉकडाउन पीरियड जारी था, लेकिन इस वक्त लॉकडाउन के बाद भी जो कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, उसको देखते हुए यूपी सरकार की तरफ से 15 जिलों को सील कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, 15 जिले यूपी के सील कर दिए गए हैं। इस वक्त जो लोग बाहर निकल रहे थे दिन में 3-4 बार, आप वो नहीं निकल पाएंगे। कौन कौन से जिले हैं आपको बता दें, महाराजगंज, सीतापुर, सहारनपुर, बस्ती, लखनऊ, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी, शामली, मेरठ, बरेली, बुलंदशहर, फिरोजाबाद और गाजियाबाद, ये 15 जिले सील कर दिए गए हैं। अभी तक बता दें जो तारीख निकलकर सामने आ रही है, आज रात 12 बजे से इनको सील कर दिया जाएगा पूर्णतः। जो लोग बाहर निकल रहे थे दिन में 3-4 बार, वो नहीं निकल पाएंगे। और एसेंशियल सामानों की जो गाड़ियां इधर से उधर जा रही थी, उन पर भी कई तरह के नियम लागू किए जाएंगे। इसके लिए जानने के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़ेंगे, लेकिन आपको पूरी खबर बता दें कि आज रात 12 बजे से ये 15 जिले सील कर दिए गए हैं। 21 दिनों का लॉकडाउन बोला गया था, जो 14 अप्रैल तक तारीख निश्चित की गई थी, लेकिन बावजूद इसके लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि ये 15 जिले वो हैं जिनमें कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट बन चुका है, जहां कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। अभी तक चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन खोलने की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन आज जो बड़ी खबर है वो ये है कि यूपी के 15 जिले सील कर दिए गए हैं। 12 बजे से ये नियम लागू कर दिए जाएंगे। 12 बजे के बाद से ये सील जो 15 जिलों को किया गया है, लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे। इमरजेंसी काम है तब भी बाहर नहीं जा पाएंगे, अगर कोई सामान चाहिए तो उनकी होम डिलीवरी कराई जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं 15 जिले, आपको बताए महाराजगंज, सीतापुर, सहारनपुर, बस्ती, लखनऊ, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी, शामली, मेरठ, बरेली, बुलंदशहर, फिरोजाबाद और गाजियाबाद, ये 15 जिले जो हैं सील कर दिए गए हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता शरफुद्दीन खान जुड़ चुके हैं। शरफुद्दीन, इस वक्त क्या हालात है, क्या हलचल हो रही है, जो 15 जिले हैं यूपी के उनको सील कर दिया गया है, तो क्या असर देखने को मिल रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है फैसले लेती है, फैसले लेने में जनवादी करती है। अभी फिलहाल जिस तरह से जो है जो बंदी का ऐलान किया गया 15 तारीख से जो है लॉकडाउन को जो है पूरा बता दिया, पूरा बंदी हो जाएगी। अभी हालात है गाजियाबाद, आजमगढ़, कानपुर, आगरा, बरेली, लखनऊ, फिलहाल जो है अभी तो माहौल बन गया है, अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। जिस तरह से अभी ये भी बताया गया कि ट्रेन लखनऊ को बैठे थे जो है ऐसा चीज किया जाएगा जो कहीं आदमी निकल नहीं पाएगा। लोगों के दिमाग में बात ऐसी आई, वैसे लोग घरों से ऐसा नहीं कर पा रहे की नगर का कुछ मिलने की संभावना नहीं रहेगी, कर्फ्यू लगा दिया जाएगा, ऐसे कर्फ्यू लगता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की जो मानसिकता जो जनता की है वो कहने से टिफन नजर आ रही है। और उसी चीज हम आपको बता दें कोमल की अभी हालात ऐसे बिगड़ चुके हैं यहाँ पर की जो है आगे चलने ऐसा लगता है की जो है कर्फ्यू तो बहुत की बात है, आम जनता जो है बाहर निकल करके लूटपाट का मामला ना जाए, इसलिए सरकार को कहीं ना कहीं बात को देखना पड़ेगा। जी कोमल जी, शरफुद्दीन, जैसा कि आपने बताया कि आम जनता काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है, जैसे कि अचानक से सरकार फैसला ले लेती है, अब रात के 12 बजे के बाद ये 15 जिले सील कर दिए जाएंगे, लेकिन जो एसेंशियल सामान की गाड़ियां इधर से उधर जा रही थी, उन पर क्या प्रभाव रहेगा इसका? कोमल, हम आपको बता दें, जिस तरह से सरकार ने पुलिस विभाग को जो है एक मोहरा बना रखा हुआ है, पुलिस विभाग स्थान है जो है जनता को कहीं ना कहीं जो है अपना मोल भाव कहीं करके जो है अपना सिस्टम बना रही है। मगर पुलिस विभाग के लोग जो जा रहे हो कहाँ जाएंगे, जब वो भी किसान है कोरोना जो है मिसाल मार करके नहीं आएगा। और हालात ऐसे बनते जिले उनके लिए कुछ सुविधा भी दी जा रही है, और सरकार ने भी निर्णय लिया था कि पीएससी कैंप में, लखनऊ पीएससी कैंप में जो है 200 लोगों को अलग इस तरह रखा जाएगा। पुलिस विभाग के लोग जो रात में ड्यूटी कर रहे होंगे उनको कहीं हटा करके एक आराम का माहौल दिया जाएगा। मगर इस तरह की जो घटना है एकदम से अचानक दे दी जाती है कि 12 बजे रात से लॉकडाउन एकदम बंद कर दिया जाएगा, उसमें जनता को कहीं रोकना बहुत आसान नहीं है इस टाइम पे। आधा आदमी ये समझ रहा है कि हम सब बंद हो जाए तो आप खाने पीने के निर्माण कहाँ से कर पाएंगे। इस सरकार को बात सोचना चाहिए, मगर ये बात सोचने पर मजबूर नहीं हो रही है। फिलहाल ये जो है कोई लड़ाई धंधे का कर्फ्यू नहीं है, ये कर्फ्यू इस तरह का है की कहीं ना कहीं बीमारी को कहीं ना कहीं चक्कर रहा है, मगर जो है कोरोना जो है पकड़ने की कोशिश कर रहा है। मगर जनता को भी सोचना चाहिए, बात बात निकले, बात जनता का सरकार का साथ है, पुलिस विभाग का साथ है, मगर कहने की जनता की लापरवाही जो है ये कहीं ना कहीं सिकंजा कस्ते में मजबूर होती है। जी शरफुद्दीन, बिल्कुल सही कहा आपने, जो जनता की लापरवाही उसी के चलते पहले जनता कर्फ्यू, फिर लॉकडाउन और आज 13 तारीख। क्या आपसे ये पूछना चाहेंगे, जो 13 अप्रैल की तारीख सामने आ रही है, ये क्या सच है या फिर तारीख आगे भी बढ़ सकती है कि सील जो 15 जिलों को किया जा रहा है वो? जी
बहुत अच्छा है कि उन्हीं ने ये कहा है कि 13 अप्रैल तक के जो है इसको हम देखते हैं कि जनता का जी शरफुद्दीन संपर्क यहाँ पर टूट गया है। शरफुद्दीन से आगे भी जुड़ेंगे, लेकिन आपको बता दें कि शरफुद्दीन ने अभी तक जो खबर दी वो ये है कि आम जनता अचानक से आए फैसले से परेशान हो चुकी है। लोग ये सोच रहे हैं कि आप वो जो जरूरी सामान बाहर निकलकर लेकर आते थे वो किस तरह से वो लेकर आएंगे, क्योंकि सील कर दिया गया है, तो यानी कि वो घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जो जरूरी सामान लेने के लिए निकलते थे वो भी अब उन तक नहीं पहुँच पाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुँचा रहे हैं कि यूपी के 15 जिले सील कर दिए गए हैं। नोटिस जारी किया गया रात 12 बजे के बाद से ये 15 जिले जो है सील कर दिए जाएंगे, और इनमें जो शामिल है जिले उनका नाम बता दें आपको, महाराजगंज, सीतापुर, सहारनपुर, बस्ती, लखनऊ, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी, शामली, मेरठ, बरेली, बुलंदशहर, फिरोजाबाद और गाजियाबाद, ये 15 जिले सील किए गए हैं। अब तक जो तारीख बताई जा रही है 13 अप्रैल कही जा रही है, कोई निश्चित तारीख नहीं है, क्योंकि 13 अप्रैल तक सिर्फ देखा जाएगा कि इस सील करने का क्या नतीजा रहता है, क्या जो कोरोना वायरस की संक्रमित मरीजों की चेन है ये चेन टूटने में कामयाब होंगे हम, जो चेन तोड़ने की कोशिश की जा रही है, या मरीजों की संख्या जरा से भी कम होती है तो हो सकता है ये तारीख आगे भी बढ़ जाए। लगातार हम आपको बता रहे हैं 15 जिले सील करने के आदेश आ चुके हैं, रात के 12 बजे के बाद ये नियम लागू कर दिए जाएंगे। इस दौरान कोई भी अपने घरों से बाहर जरूरी काम के लिए भी नहीं निकल पाएगा। अगर कोई भी सामान की जरूरत है तो सरकार की तरफ से उसकी होम डिलीवरी कराई जाएगी। आम जनता परेशान हो चुकी है, अचानक से जो फैसले आते हैं उनसे परेशान हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार जो लोग बाहर निकल रहे हैं, जो जनता इन नियमों को नहीं मान रही है वही हैं, क्योंकि सरकार लगातार कोरोना वायरस को रोकने की तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन ये कोशिश में वो लोग नाकामयाब होते नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हम एवी स्टार के जरिए। 15 जिले यूपी के जो लॉकडाउन के बाद अब सील किए गए हैं, 13 अप्रैल की एक कथित तारीख बताई जा रही है। एक बार फिर से हमारे साथ शरफुद्दीन जुड़ गए हैं लखनऊ से। जी शरफुद्दीन, हमारी बात रह गई थी तारीख पे, जो 13 अप्रैल की तारीख है, क्या ये एक निश्चित तारीख है? निश्चित तारीख नहीं है, गोवर्धन हम आपको बता, निश्चित तारीख नहीं है। उसमें ये कहा गया है कि जो कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पर जो है रातों में और दिनों में टाइट करने का ऐलान किया गया है, और 13 तारीख तक जो है इसको नहीं संभलता है तो 30 तारीख तक के इसको 30 अप्रैल तक के कहीं ना कहीं बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल अभी जो है जनता को इस बात का समझाया जा रहा है कि आप अपने घरों में रहिए, घरों के अंदर रहिए और घरों से बाहर रहने के लिए, ये उस तरह कर्फ्यू नहीं है। ये जो है आपकी सुरक्षा के लिए कर्फ्यू लगाया गया, सुविधाओं के लिए कर्फ्यू लगाया गया है। इलाज बात मतलबों को, डॉक्टरों को, सबको सुविधा दी जा रही है, जनता को जो है पहुंचाया जा रहा है। पुलिस विभाग के लोग घड़ी घड़ी ऐलान कर रहे हैं कि जो है खोला जाए इसको, जो है आप लोग अपने अपने घरों में रहिए, अपने अपने दिवाओं में रहिए, और जो है जनता इस बात को समझ नहीं पा रही है। पुलिस विभाग के लोग भी गलियों गलियों में रोडों पे तो ये फैसले ले रहे हैं कि आप लोग अपने घरों में रहिए, अपने जो है सुविधाओं को जो है समझिए, मगर जनता इस बारे में समझ नहीं पा रही है। ये चीजें कहीं ना कहीं जनता समझ लेगी तो सभी चीजों को, सभी लोगों को आराम मिल सकती है। जी कोमल, अभी जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था इस दौरान सभी इमरजेंसी सेवाएं चालू थी, जैसे की बैंकिंग हो, चाहे बैंक की सेवाएं, चाहे ATM हो, चाहे कोई मेडिकल हो, इस तरीके की सेवाएं क्या अब चालू रहेंगी? क्योंकि सूत्रों की माने तो इस तरीके की सुविधाओं पे भी रोक लगाने के शायद निर्देश दिए गए, तो इसमें कितनी सच्चाई है? अभी स्वास्थ्य मंत्री से बात हुई है और अभी हमने जो है अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी खत्म हुई है, मनोज सचिव ने भी कहा है कि इस तरह की सुविधाओं को जारी रखा जाएगा, कहीं ना कहीं इसमें कोई रोक नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि जनता से जुड़ी चीजें हैं। बनिए की बात, दुकान की बात चाहिए, राशन की बात कही जाए, या फिर जो है सुविधाओं की बात की जाए, चाहे वो जो है स्वास्थ्य मंत्री की बात, स्वास्थ्य विभाग की बात कही जाए, मतलब स्वास्थ्य हर तरह से जो है सीधा सरकार दे रही है, मतलब जनता को भी सोचना चाहिए कि जनता भी जो है सरकार के साथ खड़ी होगी तो कहीं ना कहीं कामयाबी मिल सकती है। अगर जनता ही के साथ नहीं देगी तो जो है सरकार भी कहीं ना कहीं विफल नजर आएगी, उसके लिए जिम्मेदारी जनता को उठाना पड़ेगी। वो जनता के ऊपर आरोप ये बात कर लग रहा है कि जनता इस बातों को नहीं समझ रही है। जनता भी जमातियों के ऊपर भी आरोप लगा के घरों से निकल करके मस्जिदों में जा रहे हैं और बड़े बड़े जगहों में जा रहे हैं, मगर जो है इसके लिए उनको सोचना पड़ेगा कि आपको कहीं ना कहीं चीजों का आराम उठाया जाए, और जमातियों को भी जो है इस बात पर समझना चाहिए कि जो है ऐसी जगहों में न जाए जिससे कोरोना को कदम से कदम आगे बढ़ाया जाए, मगर कहीं ना कहीं इस पर आरोप तो लग रहा है, मगर इसमें जनता समझ नहीं पा रही है। जनता समझ जाएगी तो इसलिए कहीं ना कहीं जो है सबको लोगों को आराम उठाने की कोशिश की जाएगी। जी सोमन जी बिल्कुल शरफुद्दीन, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो गाड़ियां इधर से उधर जा रही थी सामान लेकर, मेरा सवाल वही है कि किस तरीके से अब ये गाड़ियां इधर से उधर जाएंगी, क्योंकि सील कर दिया गया है, और जो एसेंशियल सामान की गाड़ियां जा रही थी उन पर क्या रोक लगाई जाएगी या फिर कोई स्पेशल पास जारी किया जाएगा? सोमन हम आपको बता दें, उनके लिए क्योंकि उन्हीं ने जो है उस चीजों का नाजायज फायदा उठाना शुरू कर दिया,
कहा कि आप राशन आए गाड़ियां ले जा सकते हैं ला सकते हैं, मगर लोगों ने उसको आम जनता को ढोने का काम शुरू कर दिया था। पिछले जनता ने भी सरकार ने भी कहा है कि ये आप सरकार ने कहा है कि राशन ले आने के लिए कहा है, दवाइयां ले आने के लिए कहा है, आदमियों को ढोने के लिए नहीं कहा है, जिसके लिए सरकार जो है मना कर रही है, साथ साथ ना उठे डिस्प्ले बना रखे, दूर दूर तक की बात करें, कोई गाड़ियों भर भर के लेके जा रहे हैं, पास बनाया गया है उनको, टूटी पास बनाया गया है, तो वो गाड़ियों को ढोने का काम करेंगे तो कहीं ना कहीं सवाल जो है गाड़ी वालों पर उठेगा और उन लोगों को भी उठेगा जिन्हें इस तरह का जो है माहौल बना रखा है। जी शफीदी, आपने जैसे कि 15 जिलों की खबर सामने आई कि इनको सील किया गया है, लॉकडाउन जब किया गया था तो शुरुआत यूपी के 15 जिलों से की गई थी, तो क्या ऐसे कयास लगाए जा सकते हैं कि 15 जिलों के अलावा और भी जिलों को सील किया जा सकता है? मैडम आपको बता दें 15 जिले सील करे गए हैं, वहाँ पे इस तरह की जो है मुसलमानी एरिया है जहाँ पे जो है लोग मान नहीं रहे कि वो अल्लाह और रसूल की बात करते हैं कि मुझे कुछ नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं जो है जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं बदलना पड़ेगा, इसलिए 15 जिलों को पर उन्हीं नारों से कहा गया है कि इन पे हम टैग रखेंगे, और जिलों को भी कहा इसलिए नहीं कहा गया कि जैसे वहाँ से कोरोना का या किसी तरह का मामला सामने आता है तो उनसे भी कहीं सील करने का माहौल बनाया जा सकता है। फिलहाल अभी जो 15 जिले जो कह रहे हैं इनको लोगों को बहुत जरूरी जो है इनसे शिकंजा कसा जाएगा, उसमें कानून भी कहीं ना कहीं टाइट रहेगा, मगर ये एक सवाल ये भी समझ में आता है, अभी आपसे भी मेरी बात हुई है, डीसी से भी मेरी बात हुई है और कमिश्नर साहब से भी बात हुई है कि पुलिस विभाग के लिए आप किस तरह का जो है माहौल बना रहे हैं, इनको भी देखने की जरूरत है। बात आ ही रही है क्योंकि पुलिस कर्मी भी कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं और मेडिकल स्टाफ से भी कई लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं, तो डीजीपी साहब का इस पर क्या कहना है, क्या सुविधाएं मुहैया कराने वाले हैं? हाँ कोमल आपकी बात सही है, उन्होंने भी बात सही है कि जो है इसके लिए अलग से टीम बनाई जा रही है, आठ घंटे वो लोग करेंगे, दूसरे हिस्से पे बदल जाएगा 8 घंटे उन्हें, मगर सुविधाएं का तो सुविधाएं वो कहीं ना कहीं विफल हो रही है सरकार की, जैसे दास्तान है, डिजाइन है, इन सब चीजों को कहीं ना दिया नहीं जा रहा है, वो अपने पैसों से खरीद रहे हो, जहाँ तक जो सुविधा उनके पास है कहीं जहाँ पर जो है मास्क लगाना चाहिए वहाँ पे अपने रुमाल बांधे हुए, इस तरह की सुविधाएं जो है सरकार को जो पुलिस विभाग को देना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। देखिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता शरीफुद्दीन खान, जिन्होंने तमाम जानकारियां दी कि किस तरीके से जो एसेंशियल सामान की गाड़ियां इधर से उधर जा रही थी वही गैर जिम्मेदाराना हरकतें सामने ला रहे थे। उनका कहना है साफ तौर पर कि उन गाड़ियों में लोगों को ढोकर इधर से उधर पहुँचा रहे थे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं एबी स्टार के जरिए कि 15 जिलों को सील करने के आदेश आ चुके हैं, रात 12 बजे से इनको सील कर दिया जाएगा। अभी जो कथित तारीख है वो 13 अप्रैल कही जा रही है, 13 अप्रैल तक ये जिले पूर्णतः सील रहेंगे, हो सकता है आगे भी ये तारीख बढ़ जाए क्योंकि जो ये 15 जिले हैं इनको कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट माना जा रहा है। लगातार हम आपको बता रहे हैं 15 जिलों के नाम भी आपको बताया कि किस तरीके से ये 15 जिले यूपी के जो 15 जिले हैं इनको सील करने के निर्देश दे दिए गए हैं। ऐसे में जो भी लोग दिन में 4 या 5 बार घर से बाहर निकलते थे या परिवार वालों के साथ भी सामान लेने के लिए निकलते थे वो अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। जो घरेलू सामान है उनकी सरकार की तरफ से इमरजेंसी जो होम डिलीवरी है वो करवाई जाएगी। अगर लोग बाहर निकलते हैं और पुलिस द्वारा पकड़े जाते हैं और कारण नहीं बता पाते हैं तो उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगातार हम बड़ी खबर बता रहे हैं कि यूपी के 15 जिले सील करने के निर्देश सामने आ चुके हैं। किस दिन का लॉकडाउन पीरियड चल रहा था जिसके दौरान कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती ही जा रही थी, और अगर बात की जाए जैसे कि हमारे संवाददाता ने बताया कि तबलीगी जमातियों की वजह से भी ये संख्या बढ़ी है, जो राज्यों में अलग अलग छुपे हैं उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या आगे बढ़ी है। तो इसको लेकर आपको बता दें कि जो 15 जिले सील किए गए हैं हॉटस्पॉट बन चुके हैं कोरोना संक्रमित मरीजों का, ये 15 जिलों में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या सबसे ज़्यादा यूपी में पाई गई है। ये 15 जिले जो यूपी के हैं यहाँ पर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, इसीलिए इनको हॉटस्पॉट करार देकर सील कर दिया गया है। जो निर्देश दिए गए हैं ये नियम रात 12 बजे से लागू कर दिए जाएंगे। इस दौरान अगर सूत्रों की माने तो बैंक की सुविधाएं भी कम चलेंगी, जहां पर बैंकिंग और जो एटीएम की सुविधाएं हैं वो कम ही चलेंगी, और जो घरेलू सामान की दुकानें हैं वो खुलेंगी जरूर लेकिन लोग बाहर जाने पर अगर कारण नहीं बता पाते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुँचा रहे हैं 15 जिले यूपी के। फिलहाल अभी इस वक्त हमने आपको बड़ी खबर बताई लेकिन इस वक्त जरूरत है एक छोटे से ब्रेक की, ब्रेक के बाद हम और भी खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। महात्मा गांधी ने कहा था देश की सत्ता गांव के गलियारे से होती हुई राजपथ तक जाती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हम न्यू इंडिया के साथ गांव की तकदीर बदलेंगे, किंतु कैसी है हमारे गांव की तकदीर, कितनी बदली गांव की तस्वीर,
क्या है रिपोर्ट कार्ड गांव की सरकार का, हमारे आपके सरोकार का, आपके तमाम अबूझ सवालों तक, खेत खलियान और चौपालों तक ढूंढेंगे हर सवाल का जवाब। गांव कितने हुए लाजवाब, गांधी के ग्राम स्वराज्य से प्रधानमंत्री के न्यू इंडिया तक, हम परखेंगे विकास के दावों का सच, हम देंगे डगर डगर खबर खबर आशीष मिश्रा के साथ। गांव की सरकार, पंचायत चुनाव 2020, सिर्फ एबीसी।